गवर्नर एवं मुख्यमंत्री रह चुके की बहू ने भारतीय जनता पार्टी से दिया इस्तीफा। 12 लाइन लिखकर बीजेपी को कहा अलविदा। अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कुछ ही घंटों में कांग्रेस में होंगी शामिल। बता दे, चुनावी दौर शुरू हो चुका है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी को झटके पर झटका लगता जा रहा है। बीजेपी को यह नया झटका पूर्व सीएम की बहू ने दिया है। बता दे, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेत्री और निवाड़ी जिला उपाध्यक्ष रोशनी यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जिला पंचायत सदस्य एवं बीजेपी जिला उपाध्यक्ष रोशनी यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ते हुए पार्टी के सभी पत्रों से त्याग पत्र दे दिया है। पूर्व सीएम की बहू एवं बीजेपी की नेत्री रोशनी यादव ने 12 लाइन लिखकर अपना इस्तीफा दिया है, जिसमें पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस्तीफे वाला पत्र पोस्ट भी किया है। पत्र के साथ साथ उन्होंने वीडियो भी जारी किया है। उन्होंने बताया कि 24 तारीख को भोपाल में कमलनाथ की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता लेंगी। इतने नहीं, बीजेपी नेत्री रोशनी यादव का कहना है कि वो अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का दामन थामेंगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो इस्तीफा पत्र शेयर किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि बहुत दुखी मन से आहत होकर मैं भाजपा की सदस्यता त्याग रही हूँ। मेरे राजनीतिक सफर में कई अनुभव मुझे भाजपा में रहते मिले, जिसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगी। लेकिन गत कुछ वर्षों से शीर्ष नेतृत्व का कार्यकर्ताओं और आम जनमानस के प्रति निराशा, नीति और नेतृत्व में उदासीनता, महिलाओं के प्रति दिखावटी योजना एवं उनके प्रति बढ़ते अत्याचार को देखकर मैं आहत हूँ। भाजपा की सदस्य होकर रोजाना जनता से उठ रहे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के सवालों का उत्तर देने में मैं असमर्थ हूँ। कार्यकर्ता केंद्रित दल अब नेता केंद्रित है। जनता का ना प्रदेश सरकार में विश्वास है, ना केंद्र सरकार पर। जिस दल से जनता खुश नहीं है, उस दल में रहकर सेवा नहीं किया जा सकता है। भाजपा सरकार में भाजपा संगठन के ही कार्यकर्ताओं की अनदेखी और उनके साथ द्वैत व्यवहार के चलते प्रदेश में भाजपा की लगातार छवि खराब हो रही है। भाजपा कार्यकर्ता जब भी संगठन के उच्च अधिकारियों से या सरकार के मंत्रियों और नेताओं से अपनी समस्या साझा करते हैं, तो मंत्री और नेता तथा पदाधिकारी निराकरण को तो दूर, उनकी बात तक नहीं सुनते। कार्यकर्ताओं की इस स्तर की उपेक्षा से मैं आहत हूँ। निवाड़ी जिले की जनता लगातार भाजपा शासन में स्वयं को पीड़ित महसूस कर रही है। चूँकि जनता की पीड़ा मेरी अपनी भी पीड़ा है, इसलिए नेतृत्व को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता एवं जिला उपाध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा सौंप रही हूँ। वह इस्तीफा देने के बाद रोशनी यादव ने कहा कि वो 24 तारीख को अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस ज्वाइन करेंगी। रोशनी यादव ने इस्तीफे पत्र के साथ एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि मैं रोशनी यादव अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं निवाड़ी परिवार के सम्मान की खातिर भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं जिला उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देती हूँ। इस्तीफा देने के बाद रोशनी यादव ने वीडियो जारी करते हुए क्या कहा है, उनका यह वीडियो दिखाने से पहले आपको बता दें कि भाजपा के एक और कद्दावर नेता ने भारतीय जनता पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है। वो भी 24 तारीख को कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे। बीजेपी के कौन से कद्दावर नेता हैं, उसके बारे में आगे आपको बताएंगे। पहले बीजेपी से इस्तीफा देने वाली रोशनी यादव ने वीडियो जारी कर क्या कहा है, पहले आप उसको देखिए। आज बहुत ही दुखी मन से आहत होकर मैं भाजपा की सदस्यता को त्याग रही हूँ। मेरे राजनीतिक सफर में कई अनुभव मुझे भाजपा में रहते मिले, जिसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगी, क्योंकि हम हर कदम पे जहाँ भी रहते हैं कुछ ना कुछ सीखते हैं। उसी प्रकार लेकिन गत कुछ वर्षों से शीर्ष नेतृत्व का कार्यकर्ताओं के प्रति निष्ठा, नीति, निराशा और नेतृत्व में उदासीनता, महिलाओं के प्रति जो दिखावटी योजनाओं का तारतम बना करके जो बरगलाने की कोशिश की जा रही है, एवं उनके प्रति बढ़ते अत्याचार को देखकर मैं बहुत ज़्यादा आहत हुई। भाजपा की सदस्य होकर भी रोजाना जनता के बीच में जाना होता है, उनको हमें नीतियों से, योजनाओं से अवगत कराना होता है, लेकिन
हम उस समय मौन रह जाते हैं या हमारे पास उत्तर नहीं होता है जब ये बात आती है कि हम आज पूरे प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के सवालों का उत्तर देने में असमर्थ हो जाती हूँ। इसलिए उन कार्यकर्ता, जो हमारे कार्यकर्ता केंद्रित दल अब नेता केंद्रित हो गया है, पहले ये भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार था वो कार्यकर्ताओं का परिवार था, लेकिन आज वो नेताओं पर केंद्रित होकर के रह गया है, जिससे कार्यकर्ता भी अपने आप को बहुत ही कमजोर और असहाय महसूस कर रहे हैं। जनता का ना प्रदेश सरकार में आज विश्वास रहा है और ना ही केंद्र सरकार पर। जिस दल से जनता खुश नहीं है उस दल में रहकर सेवा नहीं की जा सकती है, और जहां एक सामाजिक या राजनीतिक परिवेश में रहते हुए जिसने सेवा का दायित्व का दामन थामा हो उसके लिए बहुत ही असुविधाजनक ये दायरा बन जाता है। तो इस निर्णय को लेने में मुझे भी असुविधा हुई, लेकिन जनता को सर्वोपरि रखते हुए मुझे ये निर्णय लेना पड़ रहा है। आपको दे रोशनी यादव एक भजन गायिका भी है, बागेश्वर धाम सरकार की भक्त भी है। रोशनी यादव को राजनीति विरासत में मिली है। रोशनी यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम राम नरेश यादव की बहू है। बता दे राम नरेश यादव एमपी में गवर्नर भी रह चुके हैं। इसके साथ ही रोशनी यादव बागेश्वर सरकार को अपना गुरु भी मानती है। अब उन्होंने बीजेपी के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है। बता दे उनके कांग्रेस में आने की अटकलें लंबे समय से थी। इस्तीफा देने से करीब एक महीने पहले रोशनी यादव ने पूर्व सीएम कमलनाथ से मुलाकात भी की थी। उसके बाद से ही यह कयास लगाई जा रही थी कि वह पाला बदल सकती हैं। सियासी जानकार का कहना है कि रोशनी यादव निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से टिकट चाहती थी और उन्हें इस चाहत की उम्मीद बीजेपी से कम दिख रही थी। शायद इसी वजह से उन्होंने यह बड़ा कदम उठाया। बता दे परिवार में रोशनी यादव ससुर की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। अभी वह जिला पंचायत की सदस्य हैं। अब बड़े लेवल पर सियासी पारी शुरू करने जा रही हैं। रोशनी यादव आध्यात्मिक प्रवृत्ति की भी हैं। वह पूजा पाठ खूब करती हैं, साथ ही भगवान की भजन भी गाती हैं। सोशल मीडिया पर रोशनी यादव इसकी तस्वीरें लगातार शेयर करती रहती हैं। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वह गुरु भी मानती हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में वो अपने इलाके में खूब एक्टिव रहती हैं। साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मन से भजन भी गा चुकी हैं। वहीं आपको बता दें रोशनी यादव के इस्तीफा देने के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा। सागर जिले के कद्दावर नेता व राहतगढ़ नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष पंडित नीरज शर्मा ने भी भाजपा से इस्तीफा दे दिया। अब 24 तारीख को वो अपने समर्थकों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे। इसकी जानकारी AICC मीडिया एवं कम्युनिकेशन के सदस्य आदित्य गोस्वामी ने दी है। बीजेपी नेता नीरज शर्मा ने इस्तीफे देने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि 2010 से 2014, 2014 से 2015 और 2015 से 2019 तक राहतगढ़ के पदों पर कार्यरत रहा हूँ। मैंने सदैव पार्टी को अपना परिवार एवं अपने व्यवसाय से ऊपर प्राथमिकता दी है, किंतु वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश शासन के राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा सुर्खी विधानसभा की हर समाज की जनता पर निरंतर अत्याचार किया जा रहा है, जैसे मकान तोड़ना, जमीन हड़पना, बेवजह प्रताड़ित करने एवं बेगुनाह लोगों पर पुलिस थानों में FIR दर्ज कराने जैसे अनेक अत्याचारी कृत्य लगातार किए जा रहे हैं, तथा मेरी और मेरे सह साथियों की भी लगातार उपेक्षा, तिरस्कार और अपमानित करने का क्रम लगातार चल रहा है। साथ ही श्री गोविंद सिंह राजपूत मंत्री द्वारा लगातार मेरी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से मेरे विरुद्ध अपनी पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक मिथ्या आरोपियों अन्य गतिविधियों से लगातार मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है, जिससे मैं अत्यंत आहत महसूस कर रहा हूं। तथा बहुत गहन विचार विमर्श करने के पश्चात मैं पंडित नीरज शर्मा अपने सह साथियों सहित भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता वो अपने समस्त पदों से त्यागपत्र देता हूँ। उन्होंने आगे लिखा कि तथा मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त अपने शुभचिंतकों, मित्रों को
आज तक पार्टी के कार्यों में मेरा सहयोग करने के लिए धन्यवाद देता हूँ, अतः मेरा त्याग पत्र स्वीकार करने का कष्ट करें। AICC मीडिया कम्युनिकेशन के सदस्य आदित्य गोस्वामी का कहना है कि BJP से इस्तीफा देने वाले पंडित नीरज शर्मा भी 24 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे। बहरहाल राज्य में चुनाव से पहले तक दल बदल का सिलसिला यूं ही देखने को मिल सकता है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो पर लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।